आप सभी को जय मसीह की जीजस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मसीही लोगों ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन किया। मसीही लोगों ने, जो लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मसीही लोग, जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी मसीही लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक रैली निकाली है। जो लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली की है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इन दिनों में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मसीही लोगों पर सताव हो रहा था और हो रहा है, जिसमें से जो ज्योति शर्मा है वो आजकल मसीह लोगों को काफी मात्रा में सता रही है। इसको देखते हुए मसीही लोगों ने एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठाई है और जो लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने नारेबाजी लगाई है, कुछ कहा है। तो मैं आपको वो वीडियो बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखने पाए और जानने पाए कि मसीह लोगों की एकता क्या होती है। ये हम वीडियो को देखते हैं। तो ये जो आंदोलन हो रहा है वो एक मसीह लोगों को सताया जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी रैली भी बोल सकते हैं, ताकि जो ज्योति शर्मा जैसे लोग भी डरे, मसीह लोग एक हो गए। और इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए आज जो सोशल मीडिया है वो हमारी ताकत बन चुका है। आने वाले दिनों में और भी हम काम करेंगे, आने वाले दिनों में और भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। संविधान से टकराएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर करें। आज की तो मूर्ति को माला पहनाए, हमको बचाना आता है। बोले संविधान हमारी, उसको बचाना। संविधान हमारी, उसको बचाना। संविधान हमारी, उसको बचाना। मोदी सरकार होश में हो। बहुत बड़ा आंदोलन, मोदी सरकार होश में हो। बहुत बड़ी रैली है, जो लोग मसीह लोगों को सताते हैं उसके खिलाफ। मोदी सरकार होश में हो। बाकी जो सरकार सोई हुई है वो भी जागे, प्रशासन सोया हुआ है वो भी जागे, और मसीह लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। सबको जीने का हक है, चाहे वो कोई सा भी धर्म का हो, समाज में सबको जीने का, रहने का हक है। क्योंकि पूरे भारत देश में लगातार हमारे चर्चों पर हमला हो रहा है और शासन से लेकर प्रशासन तक सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और हमारे लोग रोजगार मार खा रहे, पीते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मसीह समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है और मारा जा रहा है। इसलिए यदि हमारी रक्षा, यदि सरकार और प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे तो हम उसी रोड पर आकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की आजादी हमें भारत के संविधान की नीति है, क्षत्रिय किशन फोरम एक मसीह समाज की सामाजिक संगठन है जो मसीह समाज के लिए लगातार पिछले 25 सालों से लड़ते आ रही है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, प्रदेश कहेंगे तो हमारे प्रदेश में भी, साथ साथ पूरे भारत में मसीहों को ऐसी तरह से कुचला जा रहा है। तस्वीरें, जिंदा तस्वीरें गवाह, आप देख सकते हैं पीछे किसी का सिर फोड़ रहे, किसी के हाथ तोड़ रहे, किसी के और सीधा घुसकर आदिवासी ताकतें जो भी हैं वो जाकर सीधा इस तरह से जो हमले, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो निंदनीय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी को परेशानी है कि मसीह लोग कोई गलत कर रहे हैं तो उन्हें प्रशासनिक कार्यालय है, वो प्रशासनिक कार्यालय में जाए, वहाँ पर विधिवत रूप से आवेदन दे, उस पर विधिवत जाँच हो, उसके बाद कार्रवाई हो, उसको हमें सर्व मान्य है। परंतु इस प्रकार से
जो मानवीय क्रूरता जो दिखा रहे हैं और मसीह समाज को टारगेट बनाकर जिस तरह से ये मारना पीटना चर्चों में घुसना ये दंगे मस्ती करना इसके खिलाफ में आज मसीह समाज रोड पे आया है। और मसीह समाज इसलिए रोड पे आया क्योंकि आज उनकी हद जो है पार हो गई है और पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर में कई सारी ऐसी चीज़ें रोज प्रतिदिन होती जा रही है, रोज प्रतिदिन ऐसी घटना हो रही है, चर्च में तोड़ रहे हैं, पुलपिट को तोड़ रहे हैं, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, हमारी आज़ादी आज डरा हुआ सीमा से एक व्यक्ति कहीं बाइबल भी लेके घूमता है उस पर सीधा आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण कराने के निकला हुआ है। एक पास्टर एक मसीह समाज एक मसीह व्यक्ति कहीं अपने घर में भी बैठ के प्रार्थना करता है उसकी भी आज़ादी छीनी जा रही है कि उसको भी कह रहे हैं कि तू यहाँ पर ईसाई बन रहा है, ईसाई कैसे बन गया करके। मतलब आज इतना डर इतना भय और इतना माहौल इन्होंने बना दिया पूरे देश के अंदर में कि मसीह समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जबकि हमारे भारत के संविधान में कि हमको आज़ादी है, हमको अधिकार है और हमारे अधिकार की हम लड़ाई आज लड़ने के लिए, हम अधिकार को मांगने के लिए, अधिकार हमारे जो हमारे हैं उनकी स्वतंत्रता उसकी रक्षा हो, इसके लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पूरे मसीह समाजों ने मिलकर आज जोरदार धरना, कम से कम इसमें 3,000 लोगों के आसपास यहाँ पर इकट्ठे हुए। यदि ऐसा ही चलते रहा तो ये धरना जो है पूरे विश्वव्यापी होगा और पूरे भारत देश के अंदर में जगह जगह पर इस तरह से होते रहेगा। आज हमारा प्रशासन क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे सर? सुरक्षा चाहेंगे और क्या चाहेंगे बताएं, क्योंकि हमको घर में ही आराधना करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक हम जन्मदिन मनाते हैं उसमें भी कोई आगे आक्रमण करता है और बताते हैं कि तुम धर्मांतरण कर रहे हैं, हम शादी भी अभी ठीक से करवा नहीं पा रहे थे, बहुत हमको दिक्कत हो रहा है। इस कारण से हम लोग आज और हम सुरक्षा चाहते हैं, संविधान की जो हनन हो रहा है, एक व्यक्ति का